लेट्स से आई स्टार्ट अ बिजनेस, आई स्टार्ट अ बिजनेस, मैंने अपनी एक फुटवेयर की ट्रेडिंग शॉप डाली। वेन एवर आई स्टार्ट अ बिजनेस, इट विल ऑलवेज बी अ फुटवेयर ट्रेडिंग बिजनेस, दैट्स माई फैमिलीज बैकग्राउंड। ठीक है, तो आई स्टार्ट लेट्स से अ फुटवेयर ट्रेडिंग बिजनेस विथ लेट्स से ₹1 लाख। मैंने 1 लाख रुपए से फुटवेयर ट्रेडिंग का धंधा चालू किया। मैंने क्या किया होगा, आई पुट इन ₹1 लाख ऑफ माई ओन इन टू द बिजनेस, और मैंने मान लो इस 1 लाख रुपए से स्टॉक खरीदा, मतलब ये 1 लाख रुपए दे दिए और इसके बदले में स्टॉक खरीदा, स्टॉक खरीदा, ये किसी होलसेलर के पास गया था, उसने मुझे माल बेच दिया, मैंने अपनी रिटेल ट्रेडिंग की दुकान स्टार्ट की थी। हाँ, मुझे एक बात बताओगे, अगर मैंने ये 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो मुझे अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्डिंग कैसे करनी चाहिए? हाउ शुड आई गो अबाउट इन जस्ट रिपोर्टिंग दिस इन माई बुक्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट दीज आर जार्गन्स। एक बार इन नाम का बेहतर रूप देख लेते हैं। बैलेंस शीट इज अ वेल्थ स्टेटमेंट, दिस इज अ वेल्थ स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इज रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंस। कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी के लिए पेंडिंग। ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा, 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा, क्या ये 1 लाख रुपए मेरा एक्सपेंस है? द आंसर इज येस, दिस लुक्स लाइक एन एक्सपेंस। ये चलो दोनों चीजें एक साथ कर लेते हैं, 1 लाख रुपए का खरीदा और इसके साथ साथ एक दिन पे 1 लाख का खरीदा था, अगले दिन पे 1,20,000 का बेच दिया, तो लेट्स से 30, लेट्स से 1 जनवरी मैंने परचेज किया 1 लाख रुपए का सामान, 2 जनवरी मैंने ये सेल कर दिया 1.20 लाख पर। ठीक है, हाउ वुड दिस लुक लाइक? दिस इज अ 20,000 रुपीज का प्रॉफिट, यस नो? दिस इज अ 20,000 रुपीज प्रॉफिट, हाँ या ना? बहुत सिंपल है, आई हैव सोल्ड समथिंग वर्थ ₹1 लाख एट ₹1.2 लाख, आई हैव रिसीव्ड अ 20,000 रुपीज प्रॉफिट, यस नो? करेक्ट, ओके। मुझे बताओ आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ, 20,000 या 1,20,000 या 1 लाख? कैश कितना पड़ा हुआ? 1.2 लाख कैश होगा, ये 1 लाख कैश होगा, ये 120 कैश होगा। मैंने सुनना, एक एक करके चलते हैं। 1 जनवरी को मैंने धंधा स्टार्ट किया, 1 जनवरी को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास इस समय ₹1 लाख कैश पड़ा होगा, हाँ या ना? ठीक है, 1 तारीख को ही, चलो इसकी ना डेट चेंज कर लेता हूँ, इसको 2 तारीख कर लेता हूँ, इसको 3 तारीख कर लेता हूँ, 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्टेड लिख देता हूँ, बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है ना? 1 तारीख को बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए कैश पड़ा है, करेक्ट? 2 जनवरी को -1 लाख कैश, -₹1 लाख कैश, और इसके बदले क्या आ गया, +₹1 लाख स्टॉक या इन्वेंट्री जिसको आप कहते हैं, सेकेंड जनवरी, सेकेंड जनवरी, व्हाट विल हैपन ऑन फर्स्ट, सेकेंड जनवरी, सेकेंड जनवरी को क्या हुआ, माइनस स्टॉक एंड +1.2 लाख कैश, स्टॉक कितना माइनस करूं, 1 लाख, ओके। इसी को एक बार
जैसे मैंने ये सारी की सारी चीजें एक रजिस्टर पे नोट कर ली है, इसी को मैं फॉर्मली अपने अकाउंटिंग सिस्टम पे नोट कर लेता हूं। आइए देखिएगा एक बार, दिस इज हाउ माई डैड वुड जनरली फ्रेम हिज बुक्स। माई डैड इज अ कोर बिजनेसमैन, इज रन फुटवेयर ऑपरेशन फॉर अ गुड 40-45 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। हिज एज इज 56, स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 9-10, फुल टाइम सिंस द एज ऑफ 12। 12 साल से धंधे में आ चुके थे, तब से सिर्फ और सिर्फ जूता बेचना होता है उनको। 55 साल तक की उम्र तक उन्होंने यही किया। एनी थिंग रिलेटेड टू फुटवेयर ही हैज डन इट, स्टार्टेड फ्रॉम बीइंग अ रिटेलर, देन अ होलसेलर, देन अ फैक्ट्री ओनर, देन एन इम्पोर्टर, देन एन एक्सपोर्टर। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर करवाया है, दिया है, रॉ मटेरियल इम्पोर्टर एक्सपोर्टर, सब एवरीथिंग ही हैज डन। द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज दैट ही हैज नेवर रिसीव्ड फॉर्मल एजुकेशन। 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं की उस आदमी ने, ठीक है। हिज अकाउंटिंग इज वे बेटर देन माइंड। वेन एवर वी आर ट्राइंग टू सो आई वी द टू ऑफ अस वर्क अलॉन्ग इन अ रियल एस्टेट बिजनेस, वेन एवर द टू ऑफ अस आर वांट टू अलाइन आर अकाउंट्स की क्या लेना देना करना है दिस दैट, तो आई विल ऑलवेज गो बैक टू हिम टू वेरीफाई कि हाँ हमारे अकाउंट्स मैच कर रहे हैं ना। हिज वे इज वेरी सिंपल, आई विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन एक्सेल, अ फ्यू अकाउंटिंग पैकेजेस, सॉफ्टवेयर, ऑल दोज स्वैंकी थिंग्स। ही हैज अ रजिस्टर, अ डायरी, ही जस्ट राइट्स इट। तो वो ऐसे करके लिख लेते हैं, दिस हाउ इज डायरी विल लुक लाइक। इनफैक्ट एनी डायरी, एनी मतलब एनी इंडियन, एनी कोर मिडिल क्लास बिजनेसमैन जिसने जबरदस्ती सीए सीए तो ये वो फलान ढिमकान नहीं किया, ऐसी चीजें लिख देता हो। सर आप कर क्या रहे हो पहले ये बताओ। कुछ नहीं, तुम्हें धंधे सिखा रहा हूँ, देखना। वो ऐसे लिख लेता होगा, करेक्ट? आप लोगों ने यही सेम चीज पढ़ी अपनी अकाउंट्स की बुक्स में भी। आपने ऐसा पढ़ा, 1 तारीख को आपकी बैलेंस शीट, आप बोल रहे हो बैलेंस शीट, मैं इसे कहता हूं वेल्थ स्टेटमेंट, ये दिखेगी कुछ ऐसे। इट विल हैव 1 लाख रुपीज, सॉरी, इट विल हैव कैश ऑफ ₹1 लाख, करेक्ट है ना। यू कॉल दिस एज एप्लीकेशन, एक्चुअली तो आप इसे एसेट्स बोलते हुए आए थे, है ना। एंड दिस पीस एज सोर्स, आप इसे लाइबिलिटी प्लस इक्विटी बोलते हुए आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों लिखते सिर्फ लाइबिलिटी पे। हाँ या ना, यूज टू राइट लाइबिलिटीज व्हेन देयर वाज लाइबिलिटीज एंड इक्विटी बोथ, बट आप लिखते लाइबिलिटी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप क्या लिखते थे? आप ऐसा कुछ लिखते थे, इक्विटी, हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल, सही बात है, इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल 1 लाख, दिस इज वॉट यू डिड। हाँ या ना, ऑन 1 जनवरी इट लुक लाइक दिस। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये 1 लाख रुपए क्या चीज है, मुझे इस 1 लाख की इंटरप्रिटेशन बोलना। वॉट इज दिस, वॉट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस 1 लाख रुपीज? वॉट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस 1 लाख रुपीज? दिस 1 लाख रुपीज इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। हाँ या ना, धंधे में लगाया हुआ पैसा 1 लाख रुपए, ये पैसा किसने लगाया है? मालिक ने। मालिकाना हक एंजॉय करेगा वो इस पैसे को लगाने की वजह से। यस नो? यस, ओके। और इस 1 लाख रुपए की इंटरप्रिटेशन बोलना, जो 1 लाख रुपए लगाए थे वो कैश के फॉर्म में धंधे में पड़े हुए हैं, हाँ या ना? पक्का श्योर? ओके। 2 जनवरी, हाउ वुड द बैलेंस शीट चेंज? दिस साइड इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर इक्विटी या फिर शेयर कैपिटल, जिस भी नाम से आप जानते हैं मुझे सब चलेगा। अभी के लिए मुझे इन नामों से मतलब ही नहीं है, आई रादर प्रेफर सेइंग दिस एज ओन फंड्स। आई विल कॉल दिस एज सोर्स एंड आई विल कॉल दिस एज एप्लीकेशन विथ मी सो फार। 2 जनवरी को क्या हुआ है? 2 जनवरी को यू हैव गिवन 1 लाख रुपी कैश टू गेट स्टॉक ऑफ ₹1 लाख, हाँ या ना? सो दिस वॉज कैश 1 लाख था, आपने बोला -1 लाख एंड देन स्टॉक, दिस इज +1 लाख, दिस इज 0, दिस इज +1 लाख, हाँ या ना? सही कह रहा हूं ना मैं? दिस रिमेन्स 1 लाख, दिस रिमेन्स 1 लाख, दिस रिमेन्स 1 लाख, यस और नो? इंटरप्रिटेशन बोलना।
बिजनेस के ओनर ने 1 लाख रुपए लगाए थे, वो किस फॉर्म में पड़े हुए हैं धंधे में? अब किस फॉर्म में पड़े हुए हैं वो धंधे में, स्टॉक में? तो इसका इंटरप्रिटेशन है, बिजनेस के ओनर ने 1 लाख रुपए लगाया था, वो पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। लेट्स मूव अहेड। 3 जनवरी को हाउ गुड थिंग्स लुक लाइक, दिस इज सोर्स, दिस इज एप्लीकेशन। हाउ गुड थिंग्स चेंज ऑन 3rd ऑफ जनवरी। 3rd ऑफ जनवरी को क्या हुआ है? 1.2 लाख की सेल्स आ गई है, हाँ या ना? मान लो सब कुछ कैश में हो रहा है अभी के लिए, मुझे बताना। कैश यहाँ पे आपके पास कैश एज सच जीरो था, है ना, और स्टॉक पड़ा हुआ था 1 लाख का। स्टॉक वॉज फॉर 1 लाख, द स्टॉक वॉज फॉर 1 लाख एंड इक्विटी वॉज फॉर 1 लाख, ये था ओरिजिनली, ऐसे दिख रहा था। हाउ वुड थिंग्स चेंज? स्टॉक आपने माइनस कर दिया 1 लाख, ये हो गया जीरो। यहाँ पे 1.2 लाख आ गया, दिस बिकम्स 1.2 लाख। कैश अब आया कैश आया 1,20,000, स्टॉक गया 1 लाख रुपए का, बाकी 20,000 प्रॉफिट, क्या करूं उसका? इक्विटी में ऐड कर दो। क्यों ऐड कर रहे हैं यहां पे? क्योंकि ओनर्स ने पैसे लगाए हैं, तो दिस शुड, मतलब द प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर्स ओनली, दैट्स व्हाई वी ऐड इट टू इक्विटी, करेक्ट? ओके, हाउ वुड योर बैलेंस शीट लुक लाइक? 1.20 लाख, दिस इज 1.20 लाख, करेक्ट? इवन इफ यू नो ऑल दिस, ट्रस्ट मी, देर विल बी पीसेस विच विल गिव यू न्यू इनसाइट्स, सो आई नीड योर 100% अटेंशन। मुझे इस 1 लाख की इंटरप्रिटेशन बताना, मुझे इस, टेल मी द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस 1 लाख रुपीज। ये इन्वेस्टेड फंड्स थे, ये 20,000 क्या है? अर्न्ड फंड्स है। ये दोनों कंबाइन कर दूं तो क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड इक्विटी या ओन फंड्स। ये दोनों के दोनों कुल मिला के ओन्ड फंड्स ही माने जाएंगे, ठीक है? अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार इस 1.2 लाख की इंटरप्रिटेशन बोलना। द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस 1.2 लाख, द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस 1.2 लाख, द टोटल इन्वेस्टेड फंड्स इन दिस बिजनेस एज ऑन 3rd ऑफ जनवरी इज 1.2 लाख। टोटल इन्वेस्टेड फंड्स ये 1.2 लाख है, येस नो? इट इज इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है? आपके दिमाग में इंटरप्रिटेशन बहुत क्लियर रहनी चाहिए। लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन इज सोर्स, पैसा आया कहां से है वो बता रहा है, और राइट साइड एप्लीकेशन, पैसा लगा कहां हुआ है वो दिखा रहा है, ठीक है? ये जो वर्ड्स हैं, एसेट्स, इक्विटी, ये बहुत ज्यादा जार्गनिश वर्ड्स हैं। आई हैव अ बिग टाइम प्रॉब्लम विद दीज वर्ड्स, बिकॉज योर अकाउंटिंग गोज फॉर अ टॉस इफ यू थिंक ऑफ दीज वर्ड्स एज द मेन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये नहीं है। मेरे पिताजी ने धंधे में, अकाउंटिंग में क्या लिखा होगा? उन्होंने ऐसा लिखा होगा कि यार, 1 लाख रुपए लगाए थे धंधे में, स्टॉक बेचा 1,20,000 आ गया, मेरे पास कैश पड़ा हुआ है 1,20,000 रुपए, जिसमें से मेरा प्रॉफिट है 20,000 का, हाँ या ना? मेरा प्रॉफिट 20,000 रुपए का है, मेरा कैश 1,20,000 रुपए का है, मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट धंधे में 1 लाख की थी, लेकिन मेरी आज जो इन्वेस्टमेंट लगी है वो 1.2 लाख की है। डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दिस बिट? इन्वेस्टमेंट ऑन डे जीरो वॉज 1 लाख, इन्वेस्टमेंट टुडे इज 1.2 लाख, करेक्ट? द टोटल प्रॉफिट इज 20,000 टिल डेट, द कैश विथ मी इज 1.2 लाख, हाँ या ना? श्योर, कोई डाउट नहीं है इसमें? ओके, ठीक मिनट दीजिए मुझे। एक छोटी सी चीज नोट करो,
ये जो 1.2 लैक्स हैं, ये जो 1.2 लैक्स हैं, इसे आप बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी भी कहते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। समझ आती है बात? बुक वैल्यू मतलब, बुक वैल्यू मतलब अगर वैल्यू की बात हो रही है तो बहुत सारी वैल्यूज होगी। अगर कुछ बुक वैल्यू है तो मतलब कोई और वैल्यू भी होती होगी ना। हाँ, तो कुछ मार्केट वैल्यू भी होगी। यार कुछ ज्यादा ही फ्लूइड है ये एप्पल वाले। राइटिंग अजीब सी आ रही, बहुत नॉट हैबिचुअल। चलो नो वरीज, देखना एक बार। मैंने बोला 1.2 लाख बुक वैल्यू है। कैसे निकाला मैंने? बुक वैल्यू इज इक्वल टू बैलेंस शीट में इक्विटी वाली वैल्यू बोली है मैंने, ई का वैल्यू, ठीक है ना। दिस इज बैलेंस शीट में ई इक्विटी का वैल्यू निकाल लिया मैंने, दिस इज बुक वैल्यू, करेक्ट। कैसे निकाला ये? ई इज इक्वल टू, ये कैसे निकाला है? सिर्फ बैलेंस शीट से कोर नोट कर लिया, ठीक है ना। एक बार, वी विल रिविजिट दिस पीस वेरी सून, वी विल रिविजिट दिस पीस वेरी सून। देखिएगा एक बार, बैलेंस शीट में मैंने ई का पोर्शन देख लिया, ई, ठीक है। ये छोटा सा एक इक्विटी का कॉन्सेप्ट था, यहां बोल दिया। हमारा फोकस एफएसए पे ही होगा, वापस उसी पे ही चल रहा हूं। आगे चलते हैं। मैंने 4th ऑफ जनवरी को, सॉरी, मैंने 4th जनवरी को 10 लाख रुपए का माल, ये रुको, आई डिड अ परचेज ऑफ ₹10 लाख, ठीक है ना। द गुड्स दैट आई परचेज, गुड्स परचेज वर वर्थ ₹11 लाख। 11 लाख रुपए का माल 10 लाख रुपए में खरीदा। अच्छा, इतने पैसे नहीं पड़े हुए ना वहां पे, ठीक है। रुको 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 रुको, परचेजेज ₹50,000 और यहां लिख दे रहा हूं 75,000। 75,000 रुपए का माल 50,000 रुपए में खरीदा। हाउ वुड योर बैलेंस शीट लुक लाइक? बैलेंस शीट मतलब वेल्थ स्टेटमेंट्स। ये है एप्लीकेशन, ये है सोर्स। हाउ वुड दिस लुक लाइक? अच्छा, पहले कैसा था देखना? पहले था कैश 1.2 लाख, स्टॉक 0, इक्विटी 1.2 लाख। तो एक बार मैं यहां से लिख लेता हूं, कैश वॉज 1.2 लाख, स्टॉक वॉज 0 एंड इक्विटी वॉज 1.2 लाख। अब मुझे ये बताओ, 50,000 रुपए का माल खरीदा, लेकिन इस माल की ट्रू वर्थ 75,000 रुपए की थी। दिस वॉज वर्थ ₹75,000, बट बिकॉज आई हैव स्टार्टेड अ फुटवेयर बिजनेस, माई डैड इज इन्वॉल्व, ही नोज एवरी वन इन फुटवेयर, ही हैड हिज कनेक्ट, उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे 75,000 का माल 50,000 रुपए में दिला दिया। हाउ वुड थिंग्स चेंज? हाउ वुड थिंग्स चेंज मतलब हाउ वुड थिंग्स चेंज एज इन हाउ वुड माई बैलेंस शीट लुक लाइक ऑन दिस डेट? आइए डिस्कशन करते हैं। मुझे दो आंसर्स मिले। कुछ लोगों ने कहा ये, कुछ लोगों ने कहा भाई देखो 50,000 का स्टॉक लिया है, 50,000 जोड़ दो, ठीक है। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, लोगों ने कहा 50,000 रुपये दिए हैं, 50,000 रुपये माइनस कर दो, -50,000, ठीक है। यहाँ इसके आगे टू स्कूल्स ऑफ थॉट थे। कैश तो सबने यही किया होगा, कैश तो यही किया ना सबने। कुछ लोगों ने कहा देखो 75,000 का स्टॉक मिला है, 75,000 रुपये जोड़ दो, ठीक है। और जो डिस्काउंट मिला, 50 का माल 75 में मिला, फायदा हो गया 25,000 का, फायदे को यहाँ जोड़ दो। बैलेंस शीट का धर्म निभाओ, दोनों लेफ्ट राइट तराजू मैनेज करके चलने, बोथ साइड शुड टैली, दैट दिस इज वन अप्रोच। या फिर द अदर अप्रोच वॉज, समवन सेड एड स्टॉक विथ ₹50,000। यही दो किया है ना सॉल्यूशन, इसके सिवा भी कोई सॉल्यूशन है? लास्ट में यही किया आप लोगों ने भी। आपने क्या किया था, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, ब्लू वाला रेड वाला? सेकंड वाला। आपने 50,000 रुपये ऐड की, क्यों? ओके, ओके, सुनना, आपने गुड्स खरीदे,
आपने सामान खरीदा 75,000 रुपए का, सॉरी आपने सामान खरीदा 50,000 रुपए का जिसकी ट्रू वर्थ 75,000 रुपए थी। ये ट्रू वर्थ से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए सर। ऐसा क्यों? बिकॉज अच्छा, वाइल परचेजिंग यू माइट टेंड टू थिंक दिस, यू माइट थिंक दैट यू हैव बॉट समथिंग वर्थ ₹75 एट ₹50, तो 25,000 का प्रॉफिट, 25,000 बच गए ना, 25,000 इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट इज समथिंग, प्रॉफिट इज समथिंग विच हैपेंस एट द टाइम ऑफ सेल। परचेज पे कोई प्रॉफिट नहीं होता। परचेज पे कैसा प्रॉफिट? आप मिंत्रा ओपन करो, 50,000 की शॉपिंग कर दो, वो दिखा रहा है माल 2 लाख का था, आपने 50,000 की शॉपिंग की है। आप पापा को बोलो 1.5 लाख रुपए की अर्निंग हुई है, मैंने बहुत करोड़पति बनेगा तू। तू डेली 10,000 का माल खरीद जिसकी ट्रू वर्थ 25,000 हो, तू डेली 15,000 का माल, यही तो जॉब ढूंढ रहे हैं सारे कि आप खर्चा करो आपको प्रॉफिट होता जाए, इसी को तो धंधा कह रहे हैं। हो सकता है क्या ऐसा? नॉट पॉसिबल। प्रॉफिट विल हैपन एट द टाइम ऑफ सेल, सिंपल। धंधे का रूल क्या है? माल बेच के मुनाफा करना, माल खरीद के कौन सा मुनाफा हो रहा है सर? बट एक बात बताओ, अगर रियलिटी में इसको 75,000 रुपए की वर्थ का सामान 50,000 में मिल गया, तो मैं कह रहा हूं अगर मिल गया तो बेचेगा ना, कि 50,000 रुपए का रख के अपने पास स्टोर करके थोड़ी ना मर जाएगा। दिस गाय विल सेल इट अल्टीमेटली इफ, ओके लेट्स से आई एम अ रियल एस्टेट डीलर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रियल एस्टेट का मान लो छोटा सा काम मैं करता हूँ, अगर मुझे किसी बिल्डर से 100 दुकानें जिनकी हर दुकान की वर्थ 1-1 करोड़ है, वो 80-80 लाख में मिल गई, 1 करोड़ की एक दुकान है, तो 100 करोड़ की दुकान है। मैंने 100 दुकानें बुक कराई, मैंने कहा मैं खरीदने की गारंटी लेता हूँ, आई एम पेइंग यू, गिव मी 100 शॉप। उसने कहा 1 करोड़ की दुकान है, तुम 100 ले रहे हो, मैं तुम्हें 80 लाख में दूंगा। मैंने 80 लाख रुपए एक दुकान के दिए, तो मैंने टोटल 80 करोड़ का माल खरीदा। और कितने का माल है वो ट्रूली? 100 करोड़ का। आई हैव बॉट समथिंग वर्थ ₹100 CR एट ₹80 CR, व्हाट शुड आई से? 20 करोड़ प्रॉफिट? ऐसा कैसे बनेगा भाई? खरीद लिया, बेच के दिखाना उसको। मैं उस बिल्डर को क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देख तेरे में कम बुद्धि है, तू बिल्डर हो के भी नहीं बेच पाएगा, मैं ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं बिल्डर ना हो के भी बेच दूंगा। यस नो, दिस इज हाउ द ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग। आई एम टेलिंग द बिल्डर यू कैन नॉट सेल 100 शॉप्स, आई कैन सेल इट, यू गिव दिस टू मी, गिव मी सम प्रॉफिट, आई सेल इट। वो कह रहा है ले प्रॉफिट, 80 करोड़ में माल उठा। मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब मैं बेचूंगा तब ना। अब 80 लाख की लेके आया, मैंने पापा को बोला 80 करोड़ का माल खरीद दिया, 20 करोड़ रुपए बच गए, वो क्या बोलेंगे? बेच के तो दिखा पहले। मैंने पहली बेची 85 लाख रुपए की, वो कह रहे तुम तो 20 लाख गिन रखे थे, इसके आए तो 5 लाख है। हाँ या ना, पॉसिबल और नॉट? बिकॉज व्हेन आई हैव बॉट 100 शॉप्स, आई विल बी अंडर प्रेशर कि भाई बेच इसको, पेमेंट करनी है बिल्डर की पूरी, घर पे थोड़ी ना 80 करोड़ रुपए रख रखे हैं। हाँ सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्लेन एंड सिंपल, प्रॉफिट विल हैपन एट द इंसिडेंस ऑफ सेल, नॉट एट द इंसिडेंस ऑफ परचेज। तो ये जो मैं क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको कि 75,000 का माल है खरीदा 50,000 में, ये बाकी की इंफॉर्मेशन ऐसे ही मतलब गड्ढा बनाया आपको गिराने के लिए। दिस डजेंट मीन एनीथिंग टू मी। वॉट एवर इज इट्स ट्रू वर्थ उतने पे बिक जाएगा, जब बिकेगा तब प्रॉफिट बुक कर लेना, खत्म बात। अब परचेज ₹50,000 कैसे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? सिंपल, यस नो? सो दिस इज +50K, दिस इज 50K, दिस इज 70K, दिस इज 1.2 लैक्स। मुझे इंटरप्रिटेशन बोलना 1.2 लैक्स की। द टोटल फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस आर 1.2 लैक्स। इसका ब्रेकअप क्या है? 1 लाख लगाया था, 20,000 रुपए कमा चुका था पहले, हाँ या ना? ये पहले कमाया था ना, 3 तारीख को बेच के कमाया था ना माल, ये 20,000 रुपए कमाए थे पहले। तो 1 लाख रुपए कमाए हुए, सॉरी 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड कैपिटल 20,000, अर्नड कैपिटल, टोटल कैपिटल इज 1.2 लैक्स, एंड देन दिस 1.2 लैक्स इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इन विच फॉर्म? इन टू फॉर्म्स। 70,000 रुपए मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और 50,000 रुपए का मेरे सामने इन्वेंट्री पड़ा होगा, हाँ या ना? श्योर? नो फ्रिक्शन इन दिस। लेट्स से आई सेल दिस फॉर ₹75,000, या रुको 80,000 कम का बेचते हैं, रुको 5 तारीख को, 5 जनवरी सेल ऑफ
65K, जो 75,000 वाला लिया था, ₹50K परचेजेस, मतलब 50,000 वाली जो परचेज थी ना, वही बेच रहा हूँ 65,000 रुपए की। बात समझ आती है क्या बोल रहा हूँ? ये जो 50,000 का माल खरीदा था वो बेच दिया 65,000 का। कैसे दिखेगी अब बैलेंस शीट? कैश, स्टॉक, इक्विटी। कैश कितना था मेरे पास? 70K, स्टॉक था 50K, और ये था 1.20 लाख, या 120K बोल देता हूँ इसको। इसका ब्रेकअप ये था, 1 लाख एंड 0.20 लाख। हाँ या ना? दिस टोटल इज 1.20 लाख, दिस टोटल इज 1.20 लाख। आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? श्योर? नो फ्रिक्शन। ये पहले था, अब इस पे चेंजेस करूंगा। मैं 65,000 रुपए के पर की सेल काट रहा हूँ, मतलब मैंने 65,000 की सेल कर दिया। स्टॉक कितने से कम होगा? स्टॉक विल गो डाउन बाय 50K। दिस विल, कैश विल 65K, एंड प्रॉफिट विल बी 15K। मुझे बताना ये प्रॉफिट 15K का कैसे हुआ है? 65K माइनस 50K, सही कह रहा हूं ना मैं? तो दिस इज, मैं ये सारा कुछ ही एक बार में नोट कर लेता हूं। ये वन पॉइंट, ये हो गया 1.35 लाख। इसका ब्रेकअप लिख रहा हूं, 1 लाख रुपए एक, 20,000 रुपए दूसरा, और 15,000 रुपए तीसरा। हाँ या ना? ये 1 लाख रुपए क्या था? इन्वेस्टेड। ये 20,000 रुपए कहां से आए थे? प्रॉफिट। कैसे हुआ था 20,000 का प्रॉफिट? 1 लाख की चीज 1,20,000 में बेची थी, है ना? तो मैं लिख देता हूं 1.2 लाख माइनस 1 लाख, है ना? और ये 65, ये 15,000 कहां से आया? 0.65 लाख माइनस 0.50 लाख। यस नो? ओके, यहां तक की कोई फ्रिक्शन है तो प्लीज पूछिए। एनी डाउट्स, एनी क्वेरी टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम? हैप्पी टू आंसर दैट। लेट्स से ये पूरे के पूरे इसी साल का डिस्कशन कर रहा हूं मैं, ओवर देयर, इस साल का ही डिस्कशन कर रहा हूं, देखिएगा। 6 जनवरी, 6 जनवरी को मैं अपनी जो शॉप रन कर रहा था ना, आई थॉट कि यार आई कैन मैनेज इट एट माई ओन, बट वेन द गुड्स स्टार्टेड गेटिंग ट्रांजेक्टेड, सामान आ रहा था जा रहा था, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी मैनेज करने में। मुझे लग रहा था क्लीनलीनेस उतनी नहीं है, तो आई कॉल्ड अर्बन क्लैप। मैंने उनको कहा भाई मेरे को ना कि मेरा पूरा का पूरा ऑफिस क्लीन करके दो। तो मुझसे अर्बन क्लैप ने पूरे के पूरे ऑफिस के डीप क्लीनिंग के चार्जेस लिए 10,000 रुपए के। ये कैसे दिखेगा बैलेंस शीट में? जो भी है बनाओ, मुझे शो करके दिखाओ। हाउ विल द बैलेंस शीट लुक लाइक आफ्टर आई हैव पेड अ डीप क्लीनिंग चार्जेस ऑफ ₹10,000? मुझे नहीं पता एक्सपेंस एक्सपेंस इतना कहाँ, आप जानता हूँ मैं। आइए देखते हैं क्या किया विशाल, तूने क्या किया? आओ देखते हैं। कैश 135 का था मेरे पास, या फिर 1.35 लाख, जो भी बोलना चाहो। और इक्विटी था मेरे पास 1.35 लाख का, जिसका टोटल ब्रेकअप है ये, है ना? सुनना, मैंने आपको बोला खर्चा हो गया 10,000 रुपये, आपने बोला कैश माइनस कर दो। कैश है, कैश जो पे किया ये माइनस कर दो। नेक्स्ट, ये 10,000 रुपये आपने इक्विटी से भी माइनस कर दिए। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना इक्विटी से माइनस करेंगे। ये 1 लाख था, ये 25,000 है, नहीं ये 1 लाख था, ये 20,000 था, और ये 15,000 है। तो आपने कहा हमने ये 35,000 में से माइनस किए, यही बोला ना हमने? अच्छा मुझे बताओ, ये जो 1,35,000 रुपये,
सोर्स था, है ना। दिस, एक बार इसकी इंटरप्रिटेशन बोलना, दिस 1,35,000 इज द टोटल फंड्स इन्वेस्टेड इन माय बिजनेस। दिस फंड वुड बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ 1,35,000 कैश इन माय कैश टिल। मान लो मैं ये बैंक बैंक पे भरोसा नहीं करता, मुझे लगता है वहां से पता नहीं कब चोरी हो जाए, तो मैं गल्ले में रखता हूँ सारा पैसा, मान लो, ठीक है। देयर इज नो बैंक अकाउंट, देयर इज 1,35,000 सिटिंग इन माय कैश टिल। टिल मतलब गल्ला, गल्ले में ओपन किया, वहां पे 1,35,000 पड़े 500-500 के करारे नोट, ठीक है। वो अच्छा, एक बार इंटरप्रिटेशन वाइज सुनो, व्हाट इज दैट 1,35,000? ये वाला 1,35,000 है या ये वाला 1,35,000 है? ए या बी? बी वाला है। आप ये मत बोलना कि वो 1,35,000 ए है, नहीं, अमाउंट बाय चांस सेम है। धंधे में इन्वेस्टमेंट 1,35,000 की लगी है, अभी कैश के फॉर्म में पड़ी हुई है। सर वैसे क्या फर्क पड़ता है, आप भी ना कुछ भी बोलते हो, ए और बी सेम ही तो है। सेम नहीं है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इन दिस केस ऑन 5th of January द टोटल फंड्स इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस वाज 1.2 लाख। इट वाज इन्वेस्टेड इन द, सॉरी, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑन 4th of January द टोटल फंड्स इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस वाज 1.2 लाख, इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ 70,000 कैश एंड 50,000 स्टॉक। तो द टोटल फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड इन एनी गॉड डैम फॉर्म, अभी के लिए बाय चांस सेम आ रहे। तो अभी आप क्या बोलोगे, 1,35,000 मेरे पास मेरे इन्वेस्टेड कैपिटल है, पड़े हैं कैश के फॉर्म में, हाँ या ना? अब मैंने कहा यार साफ सफाई कराई थी, खर्चा पे करना पड़ गया, तो मैंने 10,000 रुपये कैश निकाल के दे दिया होगा, करेक्ट। ये 10,000 रुपये मेरा खर्चा हो गया, जिसे आप एक्सपेंस भी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है। इंग्लिश में हिंदी में खर्चा, इंग्लिश में एक्सपेंस, हमने खर्चा कर दिया। या फिर दूसरे तरफ से बोलूं तो ये इसने मेरे प्रॉफिट को ईटअप कर लिया, इसने मेरे प्रॉफिट को ईटअप कर लिया, कितना, 1 लाख, सॉरी 10,000 रुपये ईटअप कर लिया। मेरे धंधे में टोटल इन्वेस्टेड कितना बचा, 1,25,000, 1,25,000, हाँ या ना? इस 1,25,000 की इंटरप्रिटेशन क्या है? एक 1,25,000 इज द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन माय बिजनेस ऑन द क्लोजिंग ऑफ 6th of January, यस नो? इट इज इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, यस नो? अच्छा, ये 1,25,000 कैसे आया? 1 लाख इन्वेस्टेड था, 20,000 रुपये पहला कंसाइनमेंट बेच के कमाया, दूसरा कंसाइनमेंट बेच के 15,000 कमाए, इसके बाद तो ये आया 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 15,000 माइनस 10,000, हाँ या ना? ये 1 लाख था, ये इन्वेस्टेड अमाउंट था, जो अर्नड अमाउंट है, एक बार उसका जिक्र कर रहा हूं, देखना। 1.2 लाख का सामान खरीदा था, 1 लाख का बेच दिया, फिर 50,000 का सामान बेच खरीदा था, 65,000 का बेच दिया, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? उसके बाद ये 10,000 क्या हुआ, ये 10,000 का खर्चा हो गया, हाँ या ना? अब मुझे एक बात बोलना, ये जैसे ही एक एक ट्रांजेक्शन होगा, ये वाली लिस्ट तो लंबी होती जाएगी, हाँ कि ना? हर बार याद करना पड़ेगा, 1 लाख का खरीदा था, 1,20,000 का बेच दिया, सरदर्द है ये, यस नो? दिस इज फाइन मैथमेटिकली, दिस इज फाइन, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस इज अ बिग टाइम ट्रबल, हाँ या ना? मान लो ये बुक्स, ये तो अभी आपका धंधा है, के एस फुटवेयर है, लेट से दिस इज रिलायंस रिटेल, वहां 1 किलो आम किसी मैडम ने पैक कराए, वहां पे अंबानी साहब लिख रहे हैं, हाँ 100 रुपए का बिका, 80 का लिया था, फिर आप समझ रहे हो, दिस इज अ बिग टाइम ट्रबल। वॉट वुड हैपन फॉर एज अ सोल्यूशन फॉर दिस, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दिस शीट ऑन अ डेली बेसिस, इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग दिस शीट ऑन अ डेली बेसिस, दे विल सिंपली से देख यार ये है क्या, ये अर्नड वाला टोटल पोर्शन जो है, ये सारा का सारा पोर्शन आपने बोला एक अलग से कॉपी ले लेते हैं, उस पर लिखते जाएंगे, एक पेज पे कमाई दूसरे पेज पे खर्चा, हाँ या ना? कमाई खर्चा, इसे ही आप P&L अकाउंट नाम से जानते हो, है ना? वो याद किया होगा, इस साइड पे, ये राइट वाले साइड पे सेल्स यहाँ लिख, परचेज सैलरी सारा कुछ लेफ्ट में लिख, नीचे में GP NP आ जाएगा, वो GP NP यहाँ ले जाके जोड़ लेते थे, TS ग्रेवाल क्लास 11, है ना? इसीलिए जैसी कोई चीज की बात होगी उसी समय देखेंगे ये इनकम है एक्सपेंस या एसेट है या लाइबिलिटी। एक्चुअली आप सोचो तो ये सब कैटेगराइजेशन की जरूरत ही नहीं है,
आप तो अपनी वेल्थ की अकाउंटिंग कर रहे हो ना, सब कुछ काउंट होगा ही होगा, लेकिन मजबूरी में, अदरवाइज ये शीट लंबी होती जाएगी। यहाँ तो मैं बहुत लंबा गेम खेल नहीं रहा हूँ। आई हैव टेकन क्लासेस जहाँ पे मैं 40 लाइन आइटम्स लिखता हूँ एक के बाद एक करके। मतलब बच्चे रो देते हैं, वो कहते हैं सर कब तक लिखेंगे, तब मैं कहता हूँ हाँ इसी का सोल्यूशन है, एक P&L अकाउंट बना ले। या फिर इसी को आप लोग CFA के वर्ल्ड में कैसे सीखोगे, आप इसको बोलोगे इनकम स्टेटमेंट, ये आएगा सेल्स, ये आएगा ऑल एक्सपेंसेस, ये आएगा प्रॉफिट पब्लिक लॉस। इस केस में सेल्स कितनी रिपोर्ट होती देखना, 1.85 लाख की सेल्स, हाँ या ना? 1.85 लाख की सेल, हाँ या ना? तो आपने बोला 1.85 लाख की सेल्स। परचेज कितना होगा? 1.50 लाख की परचेज। अदर एक्सपेंसेस कितने हो गए? 0.10 लाख। प्रॉफिट कितना आया? हाँ 125 की 25। प्रॉफिट कितना आया? 25,000 रुपये, हाँ या ना? करेक्ट। आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में 11th 12th तक कैसे दिया जाता था, वो बोलते थे सुनो इन्वेस्टेड अमाउंट इज 1 लाख, सेल इज 1.85 लाख, परचेज इज 1.50 लाख, अदर एक्सपेंस इज 10,000। करेक्ट। इसके बाद वो बोलते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, है ना? तो आप क्या करते थे, आप पहले ये बना लेते थे, यहाँ पे 25,000 प्रॉफिट आया। आप मार्क कैसे करते थे देखना, क्लास 11th 12th, फॉर दोज ऑफ अस हु हैव डन कॉमर्स, फॉर जिन्होंने कॉमर्स नहीं किया वैसे ही ठीक हो, यू आर सॉर्टेड, यू विल थिंक लॉजिकली। फॉर दोज ऑफ अस हु आर फ्रॉम कॉमर्स, दे स्टार्ट थिंकिंग इन अ वेरी मैकेनिक मैनर, ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, दैट करते हैं नीड्स टू बी डिस्ट्रॉयड राइट नाउ, ठीक है ना? इसीलिए ऐसे डिस्कशन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आता था आपके एग्जाम में, आप क्या करते थे वो बता रहा हूँ। आप बोलते थे देख ये जाएगा इक्विटी में और एसेट्स में एज कैश, इसके लिए लिख लेते थे ये जाएगा इनकम स्टेटमेंट में इनकम, ये जाएगा एक्सपेंस, ये जाएगा एक्सपेंस, हाँ या ना? ये जो भी एक्सपेंस इनकम गया इसका नेट ऑफ करके आ गया 25,000। फिर आप क्रिएट करते थे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पे यहां लिखते थे एसेट, यहां लिखते थे इक्विटी, ये लिखा 1 लाख, ये लिखा 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस 25,000, यहाँ लिखते थे ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। किया नहीं किया हमने सब? यहाँ किया तो है, और आप तो ऐसे बोल रहे जैसे कुछ गलत किया, नहीं नहीं सब सही किया, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 125K, दिस इज 125K, आर वी गुड टिल दिस पॉइंट? श्योर, ओके लेट्स मूव अहेड। मुझे एक बात बताना, टोटल फंड्स इन्वेस्टेड इन माय बिजनेस ऑन दिस डे इज 125, 1 लाख इज इन्वेस्टेड, 25 इज अर्नड, ऑल दिस इज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश। पर आप ना बहुत इजी इजी चीजें पढ़ाते हो, इतना ही आता है दोस्त मुझे, मुश्किल चीजें आती भी नहीं है। 7th जनवरी, ठीक है सुनना, टुक अर्बन क्लैप वाला खर्चा आपको समझ आ गया था, हर महीने 10,000 करना पड़ेगा। आपने बोला इससे बढ़िया काम करते हैं क्या? हाँ क्या फर्क है, वहां उसको 10,000 दूंगी, इसको 10,000 दूं, क्या फर्क है? मैंने सोचा यार हर महीने कौन 10-10,000 देगा, मैं चुपचाप से एक वैक्यूम क्लीनर मंगा लेता हूँ। हाँ या फिर वो एक वो आता है ना, वो MI का वो पॉड, ऐसे छोड़ दो, वो ऐसे डिस्क जैसा घर पे घूमता रहता है, अमीरों के घर पे होता है वैसा। हाँ, मतलब मेरे जैसों के तो नहीं हो सकता, मेरी माँ जब तक के मेड को परेशान ना करे उनका कुछ नहीं चलता है। नीचे हाथ डालो भैया, ठीक है देखना, वैक्यूम क्लीनर परचेज ₹25,000, वैक्यूम क्लीनर परचेज ₹25,000, हाउ विल द ओवरऑल शीट लुक लाइक, बनाना, हाउ विल द बैलेंस शीट लुक लाइक, हाउ विल दिस पीस लुक लाइक,
ऑन 7th of January, ये 6th January है, दिस इज सोर्स, दिस इज एप्लीकेशन। 7 जनवरी को आपने 25,000 रुपये का वैक्यूम क्लीनर खरीद लिया, कैसे दिखाओगे अपने बुक्स में? 6th और 7th जनवरी की एक्टिविटी में फर्क क्या था? 6th जनवरी को अर्बन क्लैब वाले अपना वैक्यूम क्लीनर लाके क्लीनिंग कर रहे थे, 7th जनवरी को मैंने बोला ना वैक्यूम क्लीनर मेरा, यही फर्क है ना। 6th जनवरी को क्या किया आपने? कैश दिया तो कैश कम कर दिया, 7 जनवरी को भी कैश दिया कैश कम कर लिया, कैश में तो कोई लड़ाई वैसे भी नहीं थी। 6 जनवरी को जब मैंने अर्बन क्लैब को बुलवा के साफ सफाई करवाई तो आपने कहा खर्चा है माइनस कर दो, खर्चा है माइनस कर दो किस में से, एसेट्स में से, सॉरी खर्चा है माइनस कर दो इक्विटी में से। आप बोलना चाह रहे हो खर्चा है इसीलिए आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल, आपकी वर्थ कम हो रही है, आप जितना खर्चा करोगे आपकी वर्थ कम होती जाएगी, हाँ या ना? मेरे एम्प्लॉयज होते मैं उन सबको थाईलैंड भी घूमने भेज देता, तो मेरे ही तो पैसे खा गए साले, हाँ या ना? खर्चा करूंगा तो इक्विटी गिरेगी ना, इतना सा ही मुद्दा है। हाँ सर ठीक है। तो मैंने 6 जनवरी को 10,000 का खर्चा किया, मेरी इक्विटी गिर गई, हाँ या ना? मेरा कैश तो गिरना ही था, गिरा। 7 तारीख को जब मैंने खुद का वैक्यूम क्लीनर खरीदा तो 25,000 दिए होंगे कैश के फॉर्म में, 500 के 50 नोट दे दिए, कैश तो गिरना ही था। कैश चाहे खर्चा किया ऊपर, चाहे यहाँ वैक्यूम क्लीनर खरीदा, चाहे अर्बन क्लैब को दिया था, चाहे यहाँ वैक्यूम क्लीनर खरीद के क्रोमा को दिया, दोनों केस में कैश तो कम होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। 6 तारीख को आपने बोला इक्विटी को कम कर दो, 6 तारीख को आपने बोला इक्विटी को कम कर दो, मैंने कहा क्यों? आप कह रहे हो खर्चा, मैंने कहा ओके। 7 तारीख को क्वेश्चन ये आ रहा है कि इक्विटी को कम करेंगे या नहीं करेंगे, लॉजिकली करना ही चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? खर्चा किया है, ये खर्चा किया है ना 25,000 रुपए का, लॉजिकली तो करना ही चाहिए, तो अप्रोच वन इज परफेक्टली फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने बोला अप्रोच टू फॉलो करो और साथ में बोला ये ज्यादा लॉजिकल है, वो बताओ कैसे लॉजिकल है, मैं भी समझना चाहता हूँ। एक एक करके, जस्ट वन वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। 6th और 7th में एक ही डिफरेंस है, दोनों में कैश आउटले तो हो रहा है। अर्बन क्लैब के केस में मैं उसे 10,000 रुपये दे रहा हूं, वो मुझे एक बार की सर्विस दे रहा है ना? ये वाले केस में क्या हो रहा है, सेकेंड वाले केस में, 7th को मैंने 25,000 रुपये दिए, मुझे एक बार का मजा नहीं मिल रहा, दिस इज अ बेनिफिट दैट विल रिमेन विथ मी फॉर मोर देन वन टाइम फ्रेम, हाँ या ना? सर आप कैसी सी बातें बोलते हो, ठीक है लिखो एक और खर्चा, लिखो 8 तारीख को, लिखो 8 जनवरी अर्बन क्लैब का 3 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदा मैंने 30,000 रुपए का, अर्बन क्लैब का 30,000, 3 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदा 30,000 रुपए का, थ्री ईयर सब्सक्रिप्शन ऑफ अर्बन क्लैब परचेज एट ₹30,000। एक से अब सुनना मेरी पूरी की पूरी बात सुन लो, देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे। 6th और 7th जनवरी, जस्ट वन सेकेंड, 6th और 7th जनवरी में जो डिफरेंस हुआ है वो, मतलब जो लॉजिकल डिफरेंस है वो सुनना, दोनों केसेस में कैश आउटले होना ही था। 6th जनवरी को जो मैंने खर्चा किया है उसका बेनिफिट 1 साल में एक्रू होगा, 7th जनवरी को जो खर्चा किया है उसका बेनिफिट बहुत सालों तक मिलता रहेगा, हाँ या ना? 8th जनवरी को, 8th जनवरी, 30,000 रुपीज पेड इन ऑर्डर टू गेट 3 ईयर्स ऑफ अर्बन क्लैब सर्विस, करो क्या करेंगे इसका? 8th जनवरी को आई एम सेइंग अर्बन क्लैब सर्विस, आई मीन पेड रुपीज 30,000 टू गेट अर्बन क्लैब सर्विस फॉर 3 ईयर्स। 6th और 7th जनवरी को जो हुआ है ना, एक बार उसको दोबारा लिखवा रहा हूं, देखना आप लोगों की भाषा में, देखना एक बार। सिक्स जनवरी,
7 जनवरी यहाँ क्या हुआ था? अर्बन क्लैप पेमेंट, यहाँ क्या हुआ था? वैक्यूम क्लीनर पेमेंट। इसका इंपैक्ट क्या किया आपने? इंपैक्ट किया माइनस कैश, इसका भी किया माइनस कैश, हाँ या ना? इसका सेकंड इंपैक्ट आपने क्या किया? यू सेड माइनस इक्विटी, यहां पे आपने क्या किया? प्लस एसेट। यही तो किया है ना प्रैक्टिकली, है ना? लॉजिकली सोचो क्या फर्क है दोनों में। आपने पैसे दिए, अगर एक बार सफाई हो रही है तो मैंने बोला ये खर्चा, अगर बथेरे सालों तक सफाइयां होंगी तो मैंने क्या कहा? ये एसेट। एज सच दिस इज इलॉजिकल। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको समझ आएगी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आइडियली इफ आई हैव पेड कैश, इफ आई हैव पेड कैश तो एसेट्स वाले साइड पे तो थिंग्स वर फाइन। द अदर साइड इज दैट इफ आई हैव एंजॉयड द बेनिफिट वंस देन आई शुड डिडक्ट फ्रॉम इक्विटी जस्ट लाइक आई डिड ओवर हेयर। एक बार बेनिफिट उठाया था, 10,000 रुपये माइनस कर देने चाहिए, हाँ या ना? ये 25,000 रुपये मान लो मुझे अगले 5 साल सर्व करने वाले हैं, मुझे 5 साल सर्व करने वाले हैं, ये वाले 25,000 रुपये जो मैंने कहाँ गया ये नालायक, हाँ 7 जनवरी को वैक्यूम क्लीनर खरीदा 25,000 का, ये मुझे 5 साल के लिए सर्व करेगा। इस वैक्यूम क्लीनर की लाइफ 5 साल है। मेरे जेब से 25,000 रुपये कब गए? आज। मुझे बेनिफिट कितने साल मिलेगा? मैं इसका मजा, इसकी सर्विस कितने साल उठा पाऊंगा? 5 साल के लिए। तो मुझे करना क्या चाहिए? मुझे 5 सालों के P&L अकाउंट में हर बार 5,000-5,000 का खर्चा बुक करना चाहिए। उस खर्चे को आप डेप्रिसिएशन नाम से जानते हो, हाँ या ना? क्योंकि ये तो फिर 25,000 था। मान लो मैंने यहाँ पे 25 लाख रुपए की ट्रॉली खरीद ली होती, मैं पिताजी के पास जाता, उन्होंने पूछा क्या मतलब कितनी कमाई हुई है, मैंने कहा कुछ नहीं, 25,000 रुपए कमाए थे और मेरा टोटल साल का खर्चा 24,75,000 का लॉस है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा 25,000 रुपए कमाए थे, लाख रुपए घर से लगाए थे तो 1.25 लाख लगे हुए थे। कह रहे ठीक है। मैंने कहा मैंने ना 25 लाख की ट्रॉली खरीद ली। कह रहे ठीक है। मैंने कहा ठीक, क्या नुकसान हो गया? इक्विटी से माइनस किया तो नुकसान हो गया 25 लाख का। वो क्या बोलेंगे, काहे का नुकसान हो गया, खड़ी तो है ट्रॉली, काम आएगी ना अगले सालों में। यू विल नॉट हैव टू इनकर फ्रेट चार्जेस, यू विल नॉट हैव टू अपॉइंट द व्हाट यू कॉल दी डिस ये छोटा हाथीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना? आप नहीं बुलाओगे ना लोगों को कि हाँ मेरा माल पिक कर और छोड़ के आ, खुद की ट्रॉयल रखी हुई है, लड़के को भेजोगे बोलोगे हाँ जा भाई सामान ड्रॉप करके आ। तो ये वाली चीज में क्या हो रहा है, जब आप वैक्यूम क्लीनर के पैसे, सॉरी, जब आप डीप क्लीनिंग के पैसे दे रहे हो अर्बन क्लैब को, तो आप वन टाइम एक्सपेंस इनकर कर रहे हो। तो उसका वन टाइम एक्सपेंस है तो उसको इनकम एंड एक्सपेंसेस, मतलब आपको अपने इनकम स्टेटमेंट में खर्चा बुक कर लेना चाहिए 10,000 का। ये 25,000 रुपए का जो वैक्यूम क्लीनर खरीदा, ये क्या होना चाहिए आइडियली? तो ये क्या, ये पूरा का पूरा 25,000 रुपये अल्टीमेटली मेरे बिजनेस से ही निकलेगा? यार 25,000 रुपये का मैंने वैक्यूम क्लीनर खरीदा, मैं 25,000 रुपये कमाऊंगा कैसे? जूते खरीदूंगा, जूते बेचूंगा, उससे 25,000 रुपये बनेंगे, हाँ या ना? इस क्लास की बात कर लो, यहाँ का रेंट है 5 लाख रुपए का, निकलेंगे कहाँ से? तुम ही दोगे? तुम ही दे रहे हो, हाँ या ना? जेब से थोड़ी भर रहा हूं मैं, बाप घर से निकाल दे मुझे, मेरा बोले बाप सीपी में जगह लेके बैठे वहां से किस बात के लिए? मैंने कहा स्टूडेंट्स आएंगे, कह रहे ओके, तो फीस देंगे, कह रहे फिर ठीक है। अब क्या, वॉट एवर यू हैव पेड एट द एंड ऑफ द डे विल एक्यूमुलेट ऑल दैट, डू ऑल द खर्चा, जो बचेगा उसी से तो फिक्स एक्सपेंसेस पे कर रहूंगा ना। इसी तरीके से जो वैक्यूम क्लीनर खरीदा, ये भी तो यहीं से निकल रहा है, जूते खरीदूंगा, जूते बेचूंगा, बस एक फर्क है क्या, द बेनिफिट ऑफ दिस मशीन इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी टू सेव एक्सपेंसिस फॉर एन ईयर, रादर इट विल सेव एक्सपेंसिस फॉर मी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगर ये पूरे एक साल का होता तो क्या करते, वो डिस्कशन करेंगे कभी, और अभी के लिए नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूं अगर ये 25,000 रुपए से मैं 5 साल बेनिफिट उठाने वाला हूं, तो मेरा कैश भले आज कम हो जाए 25,000, लेकिन मेरे हर साल के एक्सपेंसेस कितने बुक होने चाहिए? 5,000 रुपए, हाँ या ना? ये बात समझ आती है? आप लोग अपनी किताब में इसको कैसे दिखाते थे देखना, आप बोलते थे सुन, आप दिखाना ये चाहते हो कि आप करना कुछ ऐसा चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई ये 25,000 रुपये कैश माइनस हुआ ठीक है, इक्विटी से ना 25 ना माइनस हो के 5,000 माइनस हो, हाँ या ना? है ना?
इक्विटी से 5,000 माइनस हो, बैलेंस शीट आउट हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? समझ आ गया ना क्या बोल रहा हूं? आप दिल से करना क्या चाहते हो? आप दिल से ये करना चाहते हो कि भाई 25,000 मैंने आज दे दिए तो कैश से माइनस कर दे, हाँ या ना? यहां तक एग्री करते हो तो लिखो ओके इन द चैट बॉक्स। आइडियली यू वुड वॉन्ट, मैंने 25,000 रुपए दिए, 25,000 रुपए शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम माई कैश, यहां तक एग्री करते हो तो लिखो ओके। यहां तक सबको समझ आता है? यहां तक कोई फ्रिक्शन है? नहीं ना। मैंने बोला ये 25,000 रुपए की मशीन आपको 5 साल के लिए बेनिफिट दे रही है, ये 25,000 की मशीन 5 साल तक बेनिफिट दे रही है, तो इस साल कितना बेनिफिट दे रही है? 5,000 का। सर बेनिफिट कैसे हुआ? अरे यार तुमने 25,000 की मशीन खरीदी, 5 साल चलेगी, तो हर साल मोटा मोटा 5,000 का खर्चा गिन लो। ये नहीं देते तो अर्बन क्लब वाले को हर महीने 10,000 रुपए देते, इससे अच्छा खुद ही के पास रख लो एक वैक्यूम क्लीनर, हाँ या ना? तो बेनिफिट तो हो ही रहा है, ठीक है ना? या तो वो खर्चा होगा या तो ये खर्चा होगा, ये कम है इसी को ही कर लो। तो आइडियली आप मांगोगे ये कि आप यहाँ पे 5,000 खर्चा गिनो, सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? बैलेंस शीट आउट हो गई, इसका क्या करेंगे? एसेट में गिन लेंगे, क्यों कितना? सर बहुत बढ़िया, यहाँ -25, यहाँ -5, तो 20,000 रह रहा है, तो यहाँ पे 20,000 जोड़ दो, क्यों? क्योंकि -25 + 5 तराजू बैलेंस करना है, यहां 20 रख दो। यहां 25 करेंगे ही करेंगे, ये श्योर है। यहां 5 माइनस करना चाहिए, क्यों 5 माइनस करना चाहिए? क्योंकि इस साल का बेनिफिट 5,000 का आएगा। अब क्या करें बताओ? हाँ जी वृंदा जी, क्या करें, क्या करेंगे मैम, क्या करना चाहिए? सर देखो यहाँ +20 कर दो, ऐसा क्यों? आगे जाके यूज होगा, तो सही डायरेक्शन में आंसर सही आ रहे हैं आपके, बताओ ना। तो बढ़िया बढ़िया आंसर है, सुनना मैं आपसे यहां पे पूछूंगा, अब पूरा का पूरा वो सॉल्यूशन कर रहा हूं जो आपकी बुक्स में लिखा रहता है, ठीक है? देखना एक बार, यू सेट समथिंग ऑन दीज लाइन, यू सेट आई हैव पेड 25K, ठीक है? आई हैव पेड 25K, आई हैव रिसीव्ड एन एसेट वर्थ ₹25, ठीक है? आई हैव रिसीव्ड एन एसेट वर्थ ₹25, दिस एसेट इज कॉल्ड वैक्यूम क्लीनर, दिस एसेट इज कॉल्ड वैक्यूम क्लीनर, ठीक है? आई हैव पेड 25K, आई हैव रिसीव्ड वैक्यूम क्लीनर वर्थ ₹25, ठीक है? नाउ इन दिस 1 ईयर वॉट विल हैपन इज दैट आई विल यूटिलाइज इट फॉर 5,000, सो आई विल डिडक्ट इट फॉर 5,000, यू विल कॉल इट डेप्रिसिएशन, दिस विल बिकम 20, और यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे 5 का, दिस विल बिकम 120, दिस विल ऑल्सो बिकम 25 less 5 is 20, 125 less 25, दिस इज 100, लेट मी क्लीन दिस अप, दिस इज 20, द टोटल बिकम्स 120, हाँ या ना? करते थे आप ये क्यों किया जा रहा था वो समझना, मैं इंटरप्रिटेशन के फॉर्मेट में बोल रहा हूं, आई नीड 100% अटेंशन ऑफ योर्स। मैंने 25,000 रुपए कैश दिया, ठीक है? ये 25,000 रुपए का बेनिफिट मेरे को 5 साल मिलना था, इस साल जो बेनिफिट मिला उतना मेरा खर्चा काउंट हो गया, तो मैंने इसे एक्सपेंस गिन लिया 5,000 रुपए, हाँ या ना? ये 4 साल का खर्चा, 25,000 दिए, इसमें से 5,000 के मजे इस साल मिले, 5,000 का बेनिफिट इस साल मिला है, बाकी 20,000 का बेनिफिट, 20,000 रुपए की सर्विसेज एंजॉय करना, 20,000 की सेटिस्फैक्शन, 20,000 के मजे लेना, कब होंगे? अगले 4 सालों में। मैंने पैसे आज दिए और मेरे को बेनिफिट होगा फ्यूचर में, यही डेफिनेशन है एसेट की, समथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू, दैट इज एसेट, इजंट इट? एसेट की वैसे ट्रू डेफिनेशन अच्छी खासी आती है, सीए में समझाते हैं वो आपको, समथिंग ऑफ वैल्यू ऑन विच यू हैव ओनरशिप, दिस दैट फलान ढिमकान, उसकी चार कंडीशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ाता तो कराता, अभी के लिए इसी पे फोकस कर लेते हैं। 25,000 रुपये पे किए, 5,000 रुपये का बेनिफिट इस साल, तो जो बेनिफिट इस साल मिला उसको खर्चा मान लिया, मैंने कैश पे किया है 25,000, लेकिन मेरा खर्चा कितना है? 5,000, बाकी का 20,000 क्या है? बाकी का 20,000 फ्यूचर का खर्चा इसी साल में दे दिया, अमीर आदमी। मेरे से यहाँ का लैंडलॉर्ड आया,
वो कह रहा है साल का रेंट 50 लाख। मैंने कहा 2.5 करोड़ उठा, मुंह ना दिखाइयो। तो मैंने उसे क्या बोला, इस साल का रेंट ले, वो मेरा खर्चा, अगले 4 साल का रेंट, अगले 4 साल का रेंट अभी ही ले ले। वाई विल आई डू दैट? बिकॉज इफ आई थिंक दैट द कैश फ्लो टूडे आर गुड, आई विल डू दैट। एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, आई हैव टेकन माई टर्म इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। इन माई टर्म इंश्योरेंस प्लान मतलब मैं उनको पैसे देता हूँ कि अगर मुझे कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो मेरे घर वाले उसकी सर्विसेज एंजॉय करेंगे, मरूंगा मैं, कमाएंगे वो। दिस इज वॉट टर्म इंश्योरेंस इज, यस नो? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। मैंने मान लो 5 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लिया, मुझे बोला कि आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, हर साल 50,000 रुपए देते रहो टिल द टाइम यू आर 60, 60 साल तक का टर्म इंश्योरेंस, साल 60 की उम्र तक के, आई विल कंटिन्यूअसली पे 50,000। तो साल के 50,000 देने थे, हर साल देते रहो, हर साल की सर्विसेज एंजॉय कर लोगे, जब मरोगे उसी समय पैसा मिलेगा घर वालों, यही है ना डील? तो मैंने बोला नहीं, मुझे ये प्लान नहीं चाहिए, आई वॉन्ट एन एग्रेसिव प्लान, तुम मेरे से जल्दी पैसे ले लो। मैंने कहा अगर मैं तुम्हें 5 साल में पूरे पैसे दे दूं तो? उसने कहा फिर एक काम करो, साल के 8 लाख रुपए दे दो। मैंने कहा ठीक है डन। वाई विल आई डू दैट? बिकॉज इन माई केस आई नो आई एम बुलिश अबाउट माई नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, आई एम एग्रेसिव, मैं खूब काम करने वाला हूँ। 5-10 साल के बाद मैं किसी खेत में बैठा हूँ, आराम से जिंदगी इंजॉय कर रहा हूँ, सब्जियां फल उगाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फलान ढिमकानी सब करेंगे। अब कहाँ उस समय कोई आए बोले 5 लाख रुपए, बोलो ये बाप को पैसा नहीं देता, ना कमाता हूँ ना खर्चता हूँ। तो वॉट एम आई डन? आई एम डिमांडिंग सर्विसेज फॉर 30 ईयर्स बाय पेइंग फॉर 5 ईयर्स, हाँ या ना? तो मैं 5 साल में पे करूंगा और मेरे को मेरा म्यूचुअल फंड, सॉरी, मेरे को मेरी इंश्योरेंस कंपनी 30 साल 30 ईयर्स तक के सर्विस दे रही है। 30 ईयर्स तक की उन्होंने मेरा रिस्क ले लिया, लेकिन मेरे से पैसे लिए 5 साल में। तो ये मेरे लिए एसेट खड़ा हुआ ना, एसेट खड़ा हुआ मतलब पैसे आज दे रहा हूँ, एंजॉयमेंट फ्यूचर में होगा। यहाँ भी तो वही हो रहा है, हाँ या ना? कुल मिला के टेक अवे क्या है देखना, अगर कैश आउटले होगा आपके धंधे से, अगर आप कैश आउटले करोगे, अगर कैश आउट पेमेंट करोगे, एज सच इसकी 3 चीजें की जा सकती हैं। एक है लायबिलिटी डिक्रीज होना, बट इसकी अभी बात नहीं कर रहा, छोड़ दो इसको। अगर कैश आउटले हो रहा है तो दो ही जगहों पे हो सकता है, क्या? या तो वन टाइम एक्सपेंस, या तो मल्टीपल ईयर का एक्सपेंस। ये मल्टीपल ईयर के एक्सपेंस को आप एसेट नाम से जानते हो, हाँ या ना? ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट में कैश आप माइनस कर दोगे, यहां पे भी कैश माइनस कर दोगे, ठीक है। दूसरा, आप इक्विटी माइनस कर दोगे, यहां पे आप इक्विटी माइनस नहीं करोगे, यहां पे आप एसेट प्लस कर दोगे। एसेट क्यों प्लस करोगे कि धीरे धीरे माइनस कर पाओ, कि आप धीरे धीरे माइनस कर पाओ, इस वजह से। आर वी गुड? श्योर? इसके और बहुत बार डिटेल में मैं कराऊंगा। कुल मिला के यू शुड बी श्योर ऑफ वन थिंग, यू शुड बी श्योर ऑफ वन थिंग, एनीथिंग दैट इज गोइंग टू एक्रू यू बेनिफिट्स फॉर मल्टीपल ईयर्स इज एन एसेट। समथिंग दैट इज गोइंग टू एक्रू यू बेनिफिट्स फॉर वन सिंगल ईयर इज एन एक्सपेंस, हाँ या ना? एसेट क्या है? मल्टीपल ईयर के खर्चे बचा रहे हैं, एक्सपेंस एक साल का खर्चा है। एसेट दिख रहा है, एसेट आपको दिखना चाहिए, मल्टीपल ईयर के खर्चे एक बार में छुपे हुए हैं। तो एक बार में माइनस नहीं करना है, धीरे धीरे करके माइनस करना है। वो धीरे धीरे माइनस करने को ही आप लोग डेप्रिसिएशन नाम से जानते हैं, हाँ या ना? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सुनना, एक सेकेंड रुक जाइए, डाउट्स ले लूंगा मैं। रिलायंस ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री को 5G के लाइसेंस के लिए पैसे दिए, ऑक्शन हुआ होगा इसका? ऑक्शन नहीं होता है तो फिर स्कैम हो जाता है ना? फिर लोग जेल जाते हैं, तिहाड़ जाते हैं, बोलते हैं 2G स्कैम, ये वो ऐसा वैसा। तो सरकार ने कहा ठीक है जी, हम तो ऑक्शन कर दे रहे। रिलायंस ने ऑक्शन किया 5G लाइसेंस का, मान लो इन्होंने पैसे दिए 3,000 करोड़ रुपए फॉर 10 ईयर्स। ये अपने बैलेंस शीट में कैसे दिखाते होंगे इसको, ये अपने बैलेंस शीट में कैसे दिखाते होंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इसका ट्रीटमेंट कैसा दिखता होगा बताइए? एवरीवन नीड्स टू डू दिस।
आपसे होना चाहिए खुद से। रिलायंस ने 3,000 करोड़ रुपए बिल्ड, एक सेकेंड रुको, बिल्ड द इम्पैक्ट, बिल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 साल के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाओ। अगले 3 साल का इस एक इवेंट की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा इनकम स्टेटमेंट पे और बैलेंस शीट पे, वो बताओ। समझ, क्वेश्चन समझ आ गया, आंसर छोड़ो। मैंने कहा 3,000 करोड़ रुपए अंबानी साहब ने दिए मोदी साहब, मतलब वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, है ना? हाँ, टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा। 3,000 करोड़ रुपए रिलायंस ने पे किए टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, ये 3,000 करोड़ रुपए इज फॉर 10 ईयर लाइसेंस ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री, ऑफ 5G लाइसेंसेस। मुझे नेक्स्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे दिखेंगे वो बताओ। जैसे फर्स्ट ईयर का मैं बता देता हूं, कैश कम हो जाएगा 3,000 करोड़ से, और 5G लाइसेंस नाम से एसेट आ जाएगा 3,000 करोड़ रुपए का, बैलेंस शीट टैली हो गई। यही हमारा धर्म था, धर्म हमने निभा दिया। आगे अगले 2 साल में, अच्छा ये है ऑन द डे, ये है बैलेंस शीट ऑन लेट्स से 1 जनवरी 2000। आपको बैलेंस शीट बनानी है 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2002, ये बैलेंस शीट बनाओ, मुझे दिखाओ। व्हाट विल बी द बैलेंस शीट, व्हाट हाउ विल द बैलेंस शीट लुक लाइक ऑन 31 दिसंबर 2000, 2001 एंड 2002, बताइए। 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2001 और 31 दिसंबर 2002, व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन ऑन द एसेट साइड। दिस इज एसेट साइड, मतलब दिस इज एप्लीकेशन एंड दिस इज सोर्सेस। ये कैसे शो करोगे आप? यहां पे आप दिखाओगे 5G लाइसेंस 1 जनवरी 2000 को, ये दिख रहा था 3,000 करोड़ का। अब क्या करोगे, इसे डिक्रीज करके कर दोगे 2700 करोड़। क्यों? आप बोलोगे 300 करोड़ का खर्चा हो गया, तो इक्विटी में से 300 करोड़ माइनस करोगे यहाँ, फिर 300 करोड़ माइनस करोगे यहाँ, फिर 300 माइनस करोगे यहाँ, तीनों के तीनों साल 300 करोड़ माइनस करते रहोगे। ये बात किसको नहीं समझ आई, डू अ शो ऑफ हैंड, कि क्यों 300 करोड़ माइनस कर रहे हैं? ये 3,000 करोड़ का खर्चा है टोटल, 3,000 करोड़ का खर्चा है, बोल रहा हूँ खर्चा। ये है क्या असल में एसेट? दोबारा अंबानी साहब की जेब से कितने पैसे निकले होंगे? 3,000 करोड़ रुपए निकले होंगे। कौन सी तारीख को? 1 जनवरी 2000 को, हाँ या ना? किस चीज के लिए? लाइसेंस के लिए। कितने साल का लाइसेंस है? 10 साल का। एक बार गलती होती है यहाँ पे, मेरे साथ काउंट करिएगा, 10 साल खत्म कब होंगे? लाइसेंस की लास्ट डेट बताओ मुझे। ऐसा 10 साल खत्म कब होंगे? 31 दिसंबर 2000 31 दिसंबर 2009 की 10? अरे सर आप क्वेश्चन कैसे पूछते हो, वो जो सीबीएसई में नहीं देते थे, सीबीएसई में पूछते हैं लॉजिकल क्वेश्चन। अरे 1 तारीख को पार्टनर जिंदा हुआ, 2 को मर गए, ऐसा नहीं पूछूंगा मैं। लॉजिकल थिंग्स, यू हैव टू थिंक ऑन एवरी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन इज इजी, एवरी क्वेश्चन इज अ ट्रिक क्वेश्चन। मैं गड्ढे बनाते रहूंगा, आपको धक्का देते रहूंगा, ठीक है? मैं 4 क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर कैंडिडेट खुद गड्ढा करके खुद ही कूद जाता है उसमें, क्योंकि मैं गड्ढा जब नहीं बना रहा तो भी वो खुद ही करने लग जाते हैं गलतियां। 31 जनवरी 2000 को लाइसेंस इशू हुआ है, कितने साल का? 10 साल का। तो पहला साल एंड होगा 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2000 को पहला साल एंड होगा, 1 जनवरी 2000 से 31 दिसंबर 2000 तक पहला साल, 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ या ना? कह रहे सर बताओ, तो +10 गलत कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2009 तक की लाइसेंस है आपके पास, 10 साल का लाइसेंस था। अंबानी साहब ने पैसे कब दिए? 1 जनवरी 2000 को। कितने दिए? 3,000 करोड़। कितने साल का बेनिफिट, मजा उठाने वाले हैं वो? 10 साल तक, हाँ या ना?
उनकी बैलेंस शीट कैसे दिखनी चाहिए? 3,000 करोड़ दिए तो -3,000 करोड़ तो आना ही चाहिए, इस पे तो सवाल ही नहीं है। दिल कर रहा है मेरा कि मैं खर्चा गिन लूं 10 साल का, लेकिन गिनूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस साल 1 साल की अकाउंटिंग कर रहा हूं, बाकी 9 साल का खर्चा हर साल में जाके करूंगा। तो इस साल में खर्चा कितना काउंट करूंगा? 300 करोड़ का, हाँ या ना? करेक्ट। मैं इस साल क्या करूंगा, 3,000 करोड़ की, आज 1 जनवरी 2000 को 3,000 करोड़ का एसेट बुक कर लूंगा अपने बुक्स में। अब देखना मेरी बैलेंस शीट 1 जनवरी 2000 को कैसी दिख रही है। मेरी बैलेंस शीट, मेरी मतलब अंबानी साहब की, एक ही बात है। अंबानी साहब क्या फील कर रहे होंगे अपनी बैलेंस शीट को देख के? वो कह रहे होंगे देख 3,000 करोड़ दे दिए, देख 3,000 करोड़ का लाइसेंस आ गया। अब वो क्या सोच रहे होंगे, 10 साल मजे करूंगा, जियो धन धनाधन, हाँ या ना? 1 जनवरी 2000 को डेप्रिसिएशन काउंट नहीं होगा। क्यों? मशीन यूज नहीं किए तो काहे का डेप्रिसिएशन, मतलब मजा उठाया ही नहीं है तो खर्चा ही नहीं हुआ अभी तक के, हाँ या ना? 31 दिसंबर 2000 को, 31 दिसंबर 2000 को क्या होगा? ये जो 3,000 की बैलेंस शीट थी बुक्स में, ये कैसे दिख रही होगी? ये 3,000 की बैलेंस शीट थी, ये इसमें दिखेगा 300 रुपए का खर्चा हो गया, बैलेंस शीट में एसेट बचा 2700 करोड़ का, हाँ या ना? ये 300 करोड़ रुपए जो यहाँ गया है, ये बैलेंस कैसे होगा? सोर्स भी कम कर दोगे 300 से, मतलब अगर मैं ऐसे बनाता बैलेंस शीट तो मैं ये आपको कहता 31 दिसंबर 2000 की बैलेंस शीट में एसेट कम कर दो 300 से और इक्विटी कम कर दो 300 से। ये बात समझ आती है तो चैट में ओके लिखिएगा, डाउट है तो डी लिखिए, आई लेट यू अनम्यूट। अगले साल क्या होगा, सेम ड्रिल, 300 करोड़ का फिर यूटिलाइजेशन कर लिया, 300 करोड़ का फिर खर्चा, उसके अगले साल 300 करोड़ का फिर से यूटिलाइजेशन, 300 करोड़ का फिर से खर्चा। तो हर साल ऐसे ही दिखता रहेगा, हर साल इक्विटी 300 कम, हर साल एसेट 300 कम, हाँ या ना? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? 31 दिसंबर 2009 को बैलेंस शीट कैसी दिखेगी? एसेट थे, ओरिजिनली एसेट था 3,000 करोड़ का, हाँ या ना? ओरिजिनली एसेट था 3,000 करोड़ का, मैंने 300 करोड़ का खर्चा हर साल बुक कर लिया होगा, सही बोल रहा हूं ना? यहाँ पे 300 करोड़ बुक करके यहाँ पे जीरो ही आ गया होगा, समझ आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ? 310 साल आया होगा ना, देखो ये 2700 है, फिर अगले साल 2400, फिर अगले साल 2100, 31 दिसंबर 2009 को क्या दिखेगा? यहां भी आएगा -300, यहां भी आएगा -300, और बुक से ये एसेट पैदा हो जाएगा, गायब, हाँ या ना? सही कह रहा हूं ना? द एसेट फ्रॉम द बुक्स विल एवेपोरेट, एसेट जा चुका होगा बुक से, ठीक है? एक और एग्जाम्पल करा रहा हूं देखना। मूविंग फ्रॉम वन बिग मैन टू अनदर बिग मैन, ही परचेज्ड अ लैंड पार्सल फॉर ₹200 करोड़। रुको, सोलर पावर प्लांट फॉर 2000 करोड़, शुभ एक बार डाउट ले लूंगा आपका, अभी रुक जाइए। पावर प्लांट परचेस किया 200 करोड़ रुपए का ऑन 1 जनवरी 2001, लाइफ 2 इयर्स, ठीक है? मुझे बैलेंस शीट बना के दिखाओ 1 जनवरी 2001, 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2002, ये तीनों पे बैलेंस शीट बनाओ। क्वेश्चन क्लियर है? पिछला वाला बन गया तो ये बन जाना चाहिए। देखना सोर्सेस एप्लीकेशन, बैलेंस शीट ही बना रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट दिस इज नॉट इन द टी शेप, आई एम राइटिंग इट इन द वर्टिकल फॉर्मेट, ठीक है ना? देखना, परचेज पावर प्लांट फॉर ₹200 करोड़, क्या इंपैक्ट आया होगा? कैश में से कम कर देंगे, कैश में से 200 करोड़ रुपए कम हो जाएगा, हाँ या ना?
कितना, 200 था, 2000 था, 200। हाँ अपना क्या ही जा रहा है, 200 करोड़ रुपए कैश कम, और सोलर पावर प्लांट प्लस 200 करोड़ रुपए। यस। अब नेक्स्ट, 31 दिसंबर 2001 को क्या करेंगे, तो भाई किसमें से 100 माइनस? ये ये जो 200 करोड़ है ये ऐसे ही चलता आ रहा होगा, इसमें से 100 करोड़ माइनस कर देंगे, ये बन गया 100 करोड़। और इसमें जितना भी इक्विटी शेयर कैपिटल होगा उसमें से 100 करोड़ माइनस कर देंगे एज खर्चा डेप्रिसिएशन। यस नो? इसके अगले साल क्या करेंगे? ये 200 करोड़ चलता आ रहा है पहले ही, या फिर बोल लो ये 100 करोड़ का हो गया। अब मैंने कहा था ना पेन नहीं चल रही है। ये 200 करोड़ में से, सॉरी, जो 100 करोड़ जो यहां पे एक्सपेंस लिया था, अगेन 100 करोड़ का एक्सपेंस आ जाएगा, दिस विल बी निल नाउ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इसकी बैलेंस रह गया था 100 करोड़, इट विल बिकम निल। और साथ साथ में क्या करेंगे, इक्विटी में से 100 करोड़ माइनस। एक बार इसकी इंटरप्रिटेशन देखना, 1 जनवरी 2001, एवरीवन ओवर हियर, 1 जनवरी 2001, मैं बोल रहा हूं आपको ट्रू और फॉल्स बोलना है। देर वॉज अ कैश आउटले ऑफ 200 करोड़, यस नो? यस। देर वॉज एन एक्सपेंस ऑफ 200 करोड़, नो? कौन सा एक्सपेंस है उस दिन? देर इज एन एसेट परचेज ऑफ 200 करोड़। हाँ, आप लिखा है एसेट परचेज, बोलेंगे एसेट परचेज, आपको दिल से पता क्या चलना चाहिए, ये बहुत सारे सालों का क्यूमुलेटिव एक्सपेंस है, लेकिन आप बोल, आपको दिख क्या रहा है, 200 करोड़ का एसेट परचेज है 1 जनवरी 2001 को, हाँ या ना? ओके, 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2001, देयर इज एन एक्सपेंस ऑफ 100 CR, देखे। देयर इज अ कैश आउटले ऑफ 100 CR। हाँ, देखे। देयर इज अ कैश आउटले ऑफ 100 CR, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। देयर इज एन एक्सपेंस ऑफ 100 CR, ट्रू? देखे। पक्का? श्योर? हाँ, 31 दिसंबर 2001 को नेट इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस वेंट डाउन बाय 100 CR, ट्रू फॉल्स? ट्रू। 100 करोड़ से इक्विटी कम किया तो धंधे में जो टोटल लागत लगी हुई है वो गिरा है ना। हाँ, 31 दिसंबर 2002, सेम जो भी मैंने 31 दिसंबर 2001 के लिए बोला, ऑल दैट विल अप्लाई? यस नो? श्योर? हाँ, 31 दिसंबर 2002 को 100 करोड़ रुपए की कैपिटल कम हुई है, तो नेट इन्वेस्टमेंट कम हुई है, इट विल अप्लाई। 100 करोड़ का डेप्रिसिएशन बुक हुआ है, ये डेप्रिसिएशन बुक हुआ है, क्या 100 करोड़ का कैश आउटले हुआ है? ये दोनों के लिए लिख रहा हूं, चलो फाइनल करते हैं, ये दोनों का कैश आउटले, कैश आउटलो है, येस और नो? नो। एक्सपेंस है, येस। इन्वेस्टमेंट गिरी है, येस। श्योर? यस इस दिन पे क्या हुआ है, इस दिन पे कैश आउटफ्लो? येस। एक्सपेंस? एक्सपेंस नो नो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन यस तो पूछ लो। इन्वेस्टमेंट गिरी है इस दिन पे, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है इस दिन पे? हाँ, नो गिरी वाला पड़ा सर तो तुम लोग पहले यस नो क्या कह रहे थे, जब तक क्वेश्चन नहीं सुना था तब? क्या, किस चीज पे नो? इन्वेस्टमेंट ना बढ़ी है ना घटी है, क्योंकि देखना हो क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट तो उतनी की उतनी रह गई होगी जितनी होगी, हुआ क्या है, फॉर्म ऑफ एसेट्स चेंज हो गया है, जो पहले कैश के फॉर्म में पड़ा था अब वो मशीन के फॉर्म में पड़ा है, हाँ या ना? यस है ना, उसका नेचर चेंज हुआ है, दूध की दही बन गई है, माल पड़ा हुआ है अपना अभी भी, हाँ या ना? पर कैसे बोलते हो आप धंधे की भाषा में? ठीक है, डन, क्लियर टिल दिस पॉइंट? हाँ? अच्छा एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, ट्रू और फॉल्स? अभी ट्रू। अभी इतना दूर, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ओके, अगर एक्सपेंस है तो इनकम स्टेटमेंट में आता होगा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, यहां बुला लूंगा मैं 2 मिनट में, इसीलिए नहीं बुलाया अभी तक क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है,
वरना तो पक्का यहीं बिठा देता मैं। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, ट्रू फॉल्स? ट्रू, एक्सपेंस है तो इनकम स्टेटमेंट में आता होगा, करेक्ट। इनकम स्टेटमेंट में आने के लिए कंडीशन क्या है, मतलब इंसान में ऐसा क्या होना चाहिए कि वो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बन पाए? या तो उसे रेवेन्यू होना, या तो उसे खर्चा होना। तुम अगर इनकम या एक्सपेंस के धर्म के हो तो तुम आ सकते हो, अदरवाइज नॉट अलाउड। सही कह रहा हूँ ना मैं? क्यों? बिकॉज प्रैक्टिकली मजबूरी थी इनकम स्टेटमेंट बनाना, हमको तो मन भी नहीं था बनाने का। हम तो बैलेंस शीट में जिस फॉर्म में पैसा आया है, मतलब सॉरी, जिस सोर्स से पैसा आया है उसे लिख रहे थे, जिस फॉर्म में पड़ा है उसे लिख रहे थे। सोर्स वॉज द इन्वेस्टर, एप्लीकेशन वॉज द फॉर्म इन विच द एसेट्स आर केप्ट। मेरे को प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर करना पड़ गया इस वजह से, और वो बहुत शीट लंबी बन रही थी तो मैंने अलग से इनकम स्टेटमेंट बना लिया। इनकम स्टेटमेंट में इनकम और खर्चे सारे आ रहे हैं। डेप्रिसिएशन खर्चा है तो क्या इनकम स्टेटमेंट में जाएगा? हाँ जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन खर्चा है और इनकम स्टेटमेंट में जाएगा तो इससे मेरा इक्विटी गिरता होगा? हाँ गिरता है। सही कह रहा हूँ? खर्चा हुआ तो इनकम लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो इनकम लेस एक्सपेंसेस, जो प्रॉफिट है वो गिर जाएगा। प्रॉफिट गिरेगा तो इक्विटी गिरेगा, बिकॉज इक्विटी के दो पार्ट्स है क्या? इन्वेस्टेड मनी, अर्न्ड मनी। अर्न्ड मनी इज प्रॉफिट, तो डेप्रिसिएशन राइजेस, प्रॉफिट फॉल्स, इक्विटी फॉल्स। हाँ या ना? पक्का श्योर? एक बार ये लिख रहा हूं सारा का सारा। डेप्रिसिएशन दिस इज एन एक्सपेंस, प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा? प्रॉफिट गिरेगा, हाँ या ना? इक्विटी गिरेगा, हाँ या ना? कौन सा इक्विटी? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी विल फॉल, हाँ या ना? सही कह रहा हूँ? ओके नेक्स्ट। मैंने जब डेप्रिसिएशन इनकर किया ये 100 करोड़ का, तो क्या मेरे कैश स्टिल से, गल्ले से, बैंक अकाउंट से पैसा कम हुआ? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, पैसा कम नहीं हुआ। तो ये एक्सपेंस तो है लेकिन कैश आउटफ्लो नहीं है, कैश आउटफ्लो नहीं है। तो कैश आउटफ्लो है या नहीं है? कैश आउटफ्लो नहीं है। आर वी गुड टिल दिस पॉइंट? श्योर? ओके। मैं कुल मिला के बोलूं कि इनकम स्टेटमेंट में इनकम आएगी और एक्सपेंस आएगा, चाहे वो कैश में आए चाहे नॉन कैश में आए, हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम ये ट्रू है या फॉल्स है? तो दिस इज फाइन, है ना? ओके। आई फॉरगॉट टू क्लैरिफाई, एक कैंडिडेट ने डाउट पूछा तो मुझे ख्याल आ गया। सुनना, कैंडिडेट ने कहा, भाई एक बात बताओ तुमने क्या बनाया? मैंने कहा बैलेंस शीट। कह रही नालायक, टैली ही नहीं हो रही, ये किस बात की बैलेंस शीट? इसका नाम तो नॉन बैलेंस शीट होना चाहिए, ये अनबैलेंसिंग शीट होना चाहिए, इट इज नॉट टेलिंग। दिस इज द डाउट ऑफ द कैंडिडेट। हाँ मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं आंसर दे रहा हूँ। एक कैंडिडेट ने कहा, भाई ये टैली नहीं हो रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई एम सेइंग दैट, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बैलेंस शीट का एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूँ। मैंने आपको इस नरेटिव का ट्रीटमेंट दिखाया, तो इस नरेटिव के वजह से जहां जहां पे भी इंपैक्ट जाएगा, जो जो भी ट्रीटमेंट होगा, मैंने आपको बस वो शो किया है, ठीक है ना? सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। मतलब क्या? मतलब अगर ये छोटा सा एक एडजस्टमेंट या एक छोटी सी स्टोरी, आप कल एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे, टुमारो यू गाइस विल बी इन अ पोर्टफोलियो फंड, वहां जाके आपको बोला जाएगा एनालिसिस करके दो। अब आप एमडीए सेक्शन में जाओगे, एमडीए सेक्शन मतलब मैनेजमेंट का, जहां पे डिस्कशन दिया रहता है। मैनेजमेंट ने बोला हम इस साल 2000 करोड़ का केपेक्स करने वाले हैं। केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो केपेक्स करेंगे वो 2 साल के लिए यूटिलाइजेशन देगा हमको, मतलब उससे हमको 2 साल का बेनिफिट, 2 साल का मजा मिलने वाला है। तो आपको आपको उस समय पढ़ के क्या समझ आना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इस साल कैश आउटले हो जाएगा 2000 का, लेकिन इसका इम्पैक्ट अगले 2 साल की इनकम स्टेटमेंट में या तो इंक्रीज रेवेन्यू या तो लोअर एक्सपेंसेस के रूप में दिखेगा, हाँ या ना? यस सर। 11th 12th में सब्जेक्ट का नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर अकाउंटेंसी। अब सब्जेक्ट का नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, अब सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अकाउंट्स मुनीम जी सीए करके बना रहे हैं, आपको मुनीमगिरी नहीं करवानी है। मुनीम जी अकाउंट्स बना के देंगे, आपको पढ़ने आना चाहिए, आपको इम्पैक्ट समझ आना चाहिए।
तो केपेक्स 2,000 करोड़ का होगा, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा? आपको आपको ये चमकना चाहिए दैट ओके दिस ईयर कैश आउटले 2,000, ऑन दिस डे कैश आउटले 2,000, नो एक्सपेंस एज ऑफ टुडे। नो एक्सपेंस मतलब इनकम स्टेटमेंट हिट करेगा क्या 1 जनवरी 2001 को? इनकम स्टेटमेंट हिट करेगा या नहीं करेगा? करेगा ही नहीं। इनकम स्टेटमेंट हिट कब करेगा? जब 1 साल के लिए मशीन को यूज कर लूंगा, ये मशीन को 1 साल के लिए यूज करूंगा तब इनकम स्टेटमेंट हिट करेगा, हाँ या ना? और कितने से हिट करेगा? 1,000 करोड़ से, क्योंकि उतना ही डेप्रिसिएशन है। आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? ओके, एनी अदर डाउट?